हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग थिंग्स इजी। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी के हेट ऐप क्लाउड अकाउंट के बारे में कि ये जो फीचर ये क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, रियलमी ने क्यों हमें ये जो फीचर ये प्रोवाइड किया है। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स होगा, और अगर कुछ बेनिफिट्स है तो हम सभी लोग इस फीचर को यूजेस में कैसे ले, तो जितनी भी डिटेल्स है इस फीचर की रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरे को काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया जी, आप एक फुल डेडिकेटेड वीडियो लेकर आओ रियलमी के हेट ऐप क्लाउड अकाउंट को लेकर, और फुल रिव्यू करके हम सभी को समझा दो ताकि हम सभी लोग ये फीचर को यूजेस में ले सके। तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए, तो इस वीडियो को फुल देखते रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक जरूर से कर देना, और चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेट ऐप क्लाउड अकाउंट जो है वो बिल्कुल भी सेम गूगल ड्राइव की तरह है, जहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री, मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो आप लोग बैकअप बनाकर रख सकते हो, रिस्टोर करके रख सकते हो। तो ये बिल्कुल भी सेम गूगल ड्राइव की तरह है। अब बात करें कि ये जो फीचर ये कितनी सिक्योर है, तो यहाँ पे रियलमी का कहना है कि ये जो फीचर ये बिल्कुल भी सिक्योर है। अगर आप लोग कोई भी डेटा वगैरह इस फीचर में इंक्लूड करते हो, बैकअप बनाते हो, रिस्टोर करते हो, तो आपकी जो जितने भी डेटाज है वो बिल्कुल भी लीक्स नहीं होंगे। तो आप लोग हेट ऐप क्विक गाइड में भी क्लिक करके जितने भी डिटेल्स है इस फीचर के रिगार्डिंग वो आप लोग देख सकते हो। अब बात करें कि इस फीचर को हम सभी को यूजेस में कैसे लेना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फीचर ये आप सभी को सेटिंग के अंदर भी मिल जाता है, एंड आपको होम स्क्रीन के अंदर भी मिल जाता है। तो सिंपली आप सभी को इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, हेट ऐप क्लाउड वाले आइकन पे, एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऊपर पे सबसे पहले आप सभी को साइन इन करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली आप सभी को साइन इन पे क्लिक करना है, एंड आपको अपना एक जीमेल जो है वो इंटर करना है, एंड उस जीमेल पे एक ओटीपी आएगी, और उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है। जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पे हेट ऐप क्लाउड अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले 5 GB स्पेस जो है आपको फ्री में मिल जाती है, जहाँ पे आप लोग किसी भी फोटो, वीडियो या फिर कॉन्टैक्ट, कॉल हिस्ट्री वगैरह जो है वो आप लोग इंक्लूड करके रख सकते हो, बैकअप बनाकर रख सकते हो। अगर आप लोग 5 GB से अपग्रेड होना चाहते हो 50 GB या फिर 120 GB में, तो यहाँ पे आपको मंथली चार्जेज जो है वो पे करना होगा। जैसे कि 50 GB के लिए $0.99 जो है वो आपको मंथली पे करना होगा। आप लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप लोग अगर अपग्रेड होना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मंथली चार्जेज जो है वो पे करना होगा। अब आते हैं इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को क्लाउड ड्राइव का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नीचे पे आप सभी को एक ऐड का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप लोग ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सभी को कई सारे ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, लाइक न्यू फोल्डर, इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, अदर फाइल। तो यहाँ पे आप लोग किसी भी वीडियो, किसी भी इमेज को जो है वो इंक्लूड कर सकते हो, और आपकी जो फ़ोन स्टोरेज है एंड जो इंटरनल स्टोरेज है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी, आपकी जो क्लाउड स्टोरेज है वो यूज होगी। तो आप लोग किसी भी वीडियो या फिर किसी भी फोल्डर को यहाँ पे आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आते हैं क्लाउड बैकअप की तरफ। तो जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऊपर पे आप सभी को ऑटो बैकअप का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन को इनेबल करोगे तो यहाँ पे आपकी जो कॉल हिस्ट्री है, जो मैसेजेस है, जो सिस्टम सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली बैकअप ले जाएंगे। तो आप लोगों को इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करना है, वरना क्या होगा, आपकी जो क्लाउड की जो स्टोरेज है 5 GB वो ऑटोमेटिकली फुल हो जाएंगे। ये जितने भी कॉल हिस्ट्री है, जो मैसेजेस है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो बैकअप ले जाएंगे। तो आप लोग इस ऑप्शन को इनेबल मत करना। नीचे पे आपको मैनुअल बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग कॉल हिस्ट्री, SMS या फिर सेटिंग को बैकअप ले सकते हो। और बैकअप लेने के बाद मान लो कि आपने अपने फ़ोन को फुल रिसेट कर दिया, तो आपकी जो कॉल हिस्ट्री है, जो मैसेज है, जो सिस्टम सेटिंग है, वो भी फुल्ली इरेज हो जाती है। तो सिंपली आपने बैकअप लिया है जिस फाइल पे, उस फाइल पे आपको क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, एंड देन कंटिन्यू रिस्टोरिंग पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू रिस्टोरिंग पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी कॉल हिस्ट्री है, जो कॉन्टैक्ट्स है, जो मैसेज है, और जो सिस्टम सेटिंग थे वो भी आपके फिर से पहले जैसे हो जाएगी। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग इसे बैकअप बनाकर रख सकते हो, कभी भी काम दे सकती है। और अगर आपने किसी दूसरे रियलमी के डिवाइस में इस हेटअप अकाउंट को लॉगिन किया तो आपने इस फ़ोन पे जितने भी डेटा को बैकअप लिया है, मान लो कि कॉल हिस्ट्री, फोटो, इमेजेस या फिर सिस्टम सेटिंग को, तो आप लोग उस फ़ोन पे रिस्टोर कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे पे कई सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक फोटो रिकॉर्डिंग। तो आप लोग जैसे जाओगे यहाँ पे आपको ऑटो साइन इन का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे आप सभी को सिलेक्ट एल्बम का ऑप्शन मिल जाता है, एंड जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर दो तो यहाँ पे आप सभी के एल्बम के जितने भी फोल्डर्स है
वो यहाँ पे सॉफ हो जाते हैं, लाइक कैमरा, स्क्रीनशॉट, डाउनलोड, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इमेज। तो जिस वाले ऑप्शन को इनेबल करते हो, मान लो कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट एंड व्हाट्सएप वाले ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ, तो मान लो इसके बाद अगर मेरे पास व्हाट्सएप में कोई भी इमेज आती है किसी ने सेंड किया और मैंने गलती से उस इमेज को डिलीट कर दिया, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेटअप अकाउंट में जो है वो रिस्टोर कर लिए जाएंगे। तो इसी तरह आप लोग किसी भी फोल्डर को इनेबल करके रख सकते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि इस फोल्डर में मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेजेस आती है और वो अगर गलती से डिलीट हो जाती है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्टोर कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही आप सभी को रिकॉर्डिंग, कॉन्टैक्ट, ब्राउजर एंड वाईफाई को भी बैकअप करने का ऑप्शन मिल जाता है। मान लो कि मैं वाईफाई वाले ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ और अभी जस्ट मैंने किसी से पासवर्ड पूछकर उस वाईफाई से कनेक्ट किया और फिर से मैं अपने फ़ोन को रिसेट कर दिया, तो उसके साथ ही वाईफाई की जो पासवर्ड है वो रिसेट हो जाती है और मैं दोबारा कनेक्ट करना चाहूँ तो वो कनेक्ट नहीं होती है क्योंकि पासवर्ड जो है वो रिसेट हो जाती है। तो यहाँ पे वो जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगी, दोबारा से फिर से आप लोग उस वाईफाई से जो है वो कनेक्ट हो सकते हो। तो ये सभी बैकअप करने के ऑप्शन आप सभी को हेटअप क्लाउड अकाउंट में देखने को मिल जाते हैं। हालांकि मैंने आपको फर्स्ट पे ही बता दिया था कि ये बिल्कुल भी सेम गूगल ड्राइव की तरह, कुछ बहुत एक्स्ट्रा फीचर आपको हेटअप क्लाउड अकाउंट में देखने को मिल जाते हैं, लाइक वाईफाई के पासवर्ड को सेव करने का ऑप्शन और कुछ बहुत और भी एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप सभी को गूगल ड्राइव में जो है वो देखने को नहीं मिलते। तो अब आप सभी लोग इस हेटअप अकाउंट को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, तो जाओ जल्दी फटाफट से चेक करो, जो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो करो, आप भी अपने डेटा को बैकअप कर सकते हो। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके रिगार्डिंग मेरे को कमेंट करके जोर से बता सकते हो, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना।